जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम को अभी तक जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो चीज़ जोस बटलर के बल्ले से निकली। वो है दोस्तों ओपनिंग साझेदारी में रनों की आवश्यकता, उसको पूरा कर दिया दोस्तों जोस बटलर ने। आप सभी को बता दें कि राजस्थान रॉयल्स के स्टार ओपनर जोस बटलर बीते रविवार को जबरदस्त फॉर्म में नजर आए। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने शानदार शतक लगाकर अपनी टीम को 3 विकेट पर 220 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। दाएं हाथ के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ और सिर्फ 64 गेंद पर 11 चौके और 8 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 124 रनों की बड़ी पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 193.75 का रहा। राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और यशस्वी जायसवाल सिर्फ 12 रन पर पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद बटलर ने कप्तान संजू सैमसन के साथ मिलकर टीम को आगे ले जाने का फैसला किया और यह फैसला सही साबित हुआ क्योंकि 13वें ओवर की चौथी गेंद तक 150 रन बना दिया था बटलर और सैमसन की इस भागीदारी ने। सैमसन 33 गेंदों पर 48 रन बनाकर दूसरे छोर पर खेलते रहे, लेकिन बटलर का खेल जारी रहा। बटलर ने 18वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर 1 रन बनाकर अपना शतक पूरा किया। वे आईपीएल में शतक लगाने वाले इंग्लैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले केविन पीटरसन, बेन स्टोक और जॉनी बेस्टो ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने मोहम्मद नबी के एक ही ओवर में 6-4-0-4-6 रन बनाकर बहुत सारे रन बटोरे, यानी कि 20 रन। अफगानिस्तान के इस पूर्व कप्तान के पास भी बटलर को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। जोस बटलर की इस पारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम को, जिसकी वजह से उन्होंने इस सीज़न का अपना तीसरा मुकाबला जीता। 7 में से 3 मैच जीत चुकी है। अब आगे भी मैचेस जारी हैं और अगला मुकाबला उनका खतरनाक टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होना है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।